लद मशीन पे हम वी थ्रेड कैसे बनाएं, क्या टूल की शेप रहेगी, किस प्रकार उसको ग्राइंडिंग किया जाएगा और वी टूल का साइज़ जो है कैसा रहेगा और हम वी टूल को किस तरह से सॉरी वी थ्रेड को हम किस प्रकार उसको पहचानेंगे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि वी थ्रेड जो है कैसे मेजर किया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। वी थ्रेड का जो गाइस रहता है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो काफ़ी हद तक मतलब कि चौड़ाई में रहेगा और जो अंदर वाला डीप वाला हिस्सा है वो कम रहेगा, समझ रहे हैं गाइस। ऊपर वाला साइज़ जो है ज़्यादा रहेगा और नीचे वाला साइज़ जो है कम रहेगा, क्योंकि जो नए कारीगर हैं गाइस उन लोगों के लिए वी थ्रेड बनाना और ये सवाल जो है काफ़ी मुश्किल वाला है, और क्योंकि वो लोग सीख रहे हैं उन लोगों को इतना ज़्यादा पता भी नहीं रहता है और नॉलेज भी नहीं रहता है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है गाइस। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, लास्ट तक देखें, तो तभी आपको समझ में आएगा गाइस के वी थ्रेड कैसे बनता है और टूल की शेप जो है कैसे बनाई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो मेरा नाम है सोनू मेहरा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइस मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके, क्योंकि मैं लेथ के बारे में, शेपर के बारे में, ये सब मशीनरी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस हमारे टूल की जो वी कटिंग जो हमें थ्रेड बनाना है, हमारे टूल की शेप कुछ इस प्रकार रहेगी, ठीक है गाइस। इसको ग्राइंडिंग से हमें अच्छे से इसको शेप में ले आना है, देखिए दोनों तरफ मतलब कि सेम टू सेम है, आगे से नखेल रहेगा और पीछे से जो है वी कटिंग के जैसा बना रहेगा, ठीक है गाइस। और आगे से हल्का सा हमें यहाँ पे जो नखीले है इसको हल्का सा गोलाई में कर देना है ताकि जो हमारा टूल है कटिंग करते समय टूटे ना और प्रॉपर बढ़िया से कटिंग करे। तो गाइस इसको कटिंग कैसे करेंगे मैं अभी उसको भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस मान लीजिए जैसे ये हमारा जॉब है, ठीक है, एग्जाम्पल पर, क्योंकि मैं अभी थ्रेड नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे जॉब दूसरा मिला हुआ है तो इसलिए मैं आपको नहीं बना रहा हूँ। तो मैं आपको वी थ्रेड भी दिखाऊंगा, स्क्वायर थ्रेड भी दिखाऊंगा और एक्मे थ्रेड भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसको कैसे बनाना है सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइज देखिए मान लीजिए ये हमारा जॉब लगा हुआ है, ठीक है, अब हमें थ्रेड कटिंग करना है। अब देख लीजिए हम थोड़ा थोड़ा थ्रेड इसको डिग्री को मैनेज करते रहेंगे, जैसे मान लीजिए ये 20 पे है, ठीक है, ये 20 पे आ गया, ठीक है गाइज। अब इसको 20 पे एक बार हम इसको रनिंग कर देंगे, कटिंग कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा हम पीछे करके फिर हम 20 के बजाय इसको 22 पे सेट करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है इसको थ्रेड कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार गाइस हमें थ्रेड जो है कटिंग करना है वी का, और ग्राइंडिंग कैसे करना है आपको मैं बता ही दिया हूँ कि इधर से देख लीजिए इसी टाइप का आपको ग्राइंडिंग जो है टूल का करना है, ठीक है गाइस। अब ये यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा कट लगाया है, ठीक है, अब इसमें भी जो है वी कट है और जो स्क्वायर थ्रेड रहता है गाइस, स्क्वायर थ्रेड देखिए आप इस प्रकार का रहता है, ठीक है, जो कि अंदर से भी जो है साइज जो है सेम रहेगा और ऊपर से भी जो साइज सेम रहेगा। और वी कट का जो रहता है, वी कट का ऊपर से साइज जो है ज़्यादा रहता है और अंदर में कट का साइज जो है कम रहता है, तो उसे बोलते हैं वी साइज, वी थ्रेड, ठीक है गाइस। ज़्यादातर गाइस कहीं भी यूज़ होता है, जो भी बोल्ट हो या नट हो या कोई भी शाफ्ट वगैरह जो कुछ भी है उसमें ज़्यादातर जानते गाइस जो है वी थ्रेड ही जो है यूज़ होता है, ठीक है गाइस। तो गाइस ये देखिए ये है वी थ्रेड, मैं आपको और क्लोज़ करके दिखा देता हूँ, ये सब वी थ्रेड है, ठीक है गाइस। ज़्यादातर जो है कि वी थ्रेड का ही यूज़ होता है, स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड, ये जो है प्रेशर के लिए काम आता है और जो लेंथ मशीन में स्क्रू लगा रहता है उसके लिए रहता है, और हर एक चीज़ में मतलब कि ज़्यादातर वी थ्रेड ही जो है यूज़ होता है, ठीक है गाइस। तो गाइस स्क्वायर थ्रेड जो है किस प्रकार कटिंग किया जाता है, कैसे कटिंग करते हैं, अगर उसको भी आपको वीडियो देखनी है तो आप कमेंट में हमें बोल दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक बढ़िया अच्छी वीडियो मैं लेके आ जाऊँगा, ठीक है गाइस। आशा करता हूँ गाइस आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो गाइस एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम आपको काम में होती होगी तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं गाइस, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें गाइस।
तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय।